हास्य व्यंग की विधा समाज के विसंगतियों का आईना है और जनमानस की भावनाओं को समझने के लिए एक थर्मामीटर की तरह कार्य करता है। और हमारे तथाकथित लोकतंत्र, जिसमें ना जाने कितने पाखंड हैं, कितने छल प्रपंच हैं, और जो लाल फीताशाही का पूरा जाल समाज में फैला हुआ है, उन सबको चुटिले शब्दों के माध्यम से समाज के सामने पेश करने के लिए यह एक ऑक्सीजन की तरह कार्य करता है। इससे न केवल समाज का तनाव कम होता है, बल्कि वह उसको एक नई दिशा भी मिलती है। इसी माध्यम का उपयोग करते हुए मैंने जो पात्र या शख्स चुना है, वह हमारे आसपास पाए जाने वाला सबसे बड़ा परजीवी है, जिसके ऊपर समाज को एक नई दशा और दिशा देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन खुद ही दिशाहीन हो करके सिस्टम की लुटिया ही डुबोने में लगा हुआ रहता है। वो शख्स है बॉस। हर कर्मचारी और अधिकारी का अपना एक बॉस होता है। उसी के लिए तो कहते हैं कि अगर बॉस है तो एक आस है, पूरा विश्वास है, सब कुछ पाने के लिए एक वीआईपी पास है, पर उन्हीं के लिए जो उनके खास हैं, बाकी सब तो उसके दास हैं। वही बनाते बॉस कल्चर हैं और खुद ही बन जाते वल्चर हैं। बॉस किसी संस्था में पाया जाने वाला वो बेगैरत प्राणी है जो खुद तो परेशान रहता है और सबको परेशान करता रहता है। हम तो डूबेंगे लेकिन तुम्हें भी ले डूबेंगे वाले फिलॉसफी को साथ में लेकर, जिनकी ज़िंदगी खुद गोलियों के भरोसे चल रही होती है, अपने जबान पर तीखे शब्दों की बौछार करते रहते हैं। किसी दिन छुट्टी क्या मांग ले, उनको लगता है जैसे हमने उनका जायदाद ही मांग लिया है। ऑफिस टाइम में 10 मिनट का टी ब्रेक, ऐसे लगता है जैसे कंपनी ही डूब जाएगी। उनकी छुट्टी छुट्टी है, उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे वो कुल्लू मनाली या सिंगापुर घूम के आ जाए, और आपका एक दिन का सीएल उनके पेट में एसिडिटी होने लगता है। इसी तरह से एरियर क्या मिल गया, उनको लगता है जैसे उसके किडनी को लोगों ने मांग के रख लिया। और साल में एक आध इंक्रीमेंट एम्प्लॉय के खाते में क्या चला गया, उसको लगता है कि जैसे उसके हाथ पैरों की उंगलियों को काट काट के उसने एम्प्लॉयों को दे दिया है। सिक्के का दूसरा पहलू भी है, इसे इस स्टोरी के माध्यम से समझिए। एक राजा को जुकाम हो गया था। एक दिन वो बहुत पुराने सूट को पहन करके राजदरबार पहुंच गया तो उनके एक मुहफट अधीनस्थ कर्मचारी ने बोल ही दिया कि महाराज आपके कपड़ों से तो बदबू आ रही है। महाराज ने तुरंत अपने प्रिय चमचे को बुलाकर पूछा तो उसने जवाब दिया कि महाराज आपके कपड़े से तो बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है। तब राजा ने कहा तब तो इस कर्मचारी को सजा मिलनी चाहिए। उसने अपने अधीनस्थ सभी कर्मचारियों से पूछा तो जैसे चमचागिरी का एक पूरा कंपटीशन स्टार्ट हो गया। लेकिन इन्हीं के बीच में एक बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी भी था। उसने सोचा कि राजा को देर सवेर सच्चाई का पता तो चल ही जाएगा, तो उसने बहुत ही रहस्यमय अंदाज में चतुराई के साथ जवाब दिया कि महाराज मुझे तो जुकाम हो गया है, क्या खुशबू आ रही है या बदबू मुझे पता ही नहीं चल रहा है। कमोबेश यही वर्क कल्चर सभी संस्थाओं और कार्यालयों में चल रहा है, जहां चमचे चमचागिरी की पट्टी राजा के आंखों में बांधे रहते हैं, जो उसको सच्चाई देखने ही नहीं देते। राजा भी इसी तरह से निरंकुश हो जाता है और उसको जो अच्छा लगता है वही करता है, और इस बात को सत्य करता रहता है कि बॉस इज ऑलवेज राइट। वैसे चमचागिरी के भी लाभ हैं। चमचागिरी व्यक्तिगत विकास के सारे रास्ते ओपन कर देता है। ये चमचे ही होते हैं जो अच्छे गुण वाले बॉस को भी अभिमानी बना देते हैं। इनकी बहुत ही सिंपल थ्योरी है कि दुनिया भर के समस्त ज्ञान और अनुभव का एकमात्र स्रोत बॉस होता है, और उनके उचित और अनुचित बातों का समर्थन करने को ही अपना धर्म समझते हैं। और ये चमचे ही होते हैं जो इनके ईगो और आत्मविश्वास को सातवें आसमान पर चढ़ा देते हैं। और चने के झाड़ में चढ़ा हुआ यह बॉस जब उसके ईगो को तोड़ने की कोशिश करता है तो ये खुद उसको तोड़ के रख देता है। इसीलिए चमचे भी बस यही गीत गाते रहते हैं कि जो तुमको हो पसंद वो बात करेंगे, तुम दिन को रात कहो हम रात कहेंगे। और कोई अधीनस्थ कर्मचारी जब कभी कुछ अच्छा सुझाव दे देता है तो भी बॉस उसको खुद का तौहीन समझता है। नतीजा ये होता है कि एक ऐसी कार्य संस्कृति का विकास होता है जिसमें सभी कर्मचारी एक दूसरे की खुशामद करने लगते हैं, और यहाँ जो कार्य करने वाले बंदे होते हैं बॉस की नज़र में वो अंधे होते हैं, लेकिन यही वो पिलर्स होते हैं जो बाद में इसी बॉस के लिए किलर साबित होते हैं।
तो मैं यहाँ पर आप सबके बीच में जो अधिकारी हैं, भले ही कर्मचारी हैं, उन सबके लिए इसी से जुड़े हुए एक कविता आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। शीर्षक है मगर से बैर। पानी में रहना और मगर से बैर न करना यकीनन समझदारी का काम हो सकता है, पर आपकी इस समझदारी का भला मगर पर क्या असर हो सकता है? ऐसा नहीं है कि आपकी बात में दम नहीं है और आप किसी से कम नहीं है, मगर यह उतना ही सही है, दुनिया का रीत भी यही है कि दोस्ती करो या बैर, एक दिन उखाड़ेगा वो आपकी पैर। यदि जन्म में रहना है तो एक न एक दिन मगर का भक्षण बनना है। आपके सौजन्य से उसका पेट नहीं भरेगा और न ही आपके सहलाने से उसकी मोटी खाल पर कोई असर पड़ेगा। मगर से दोस्ती करो या बैर, मगर से दोस्ती करो या बैर, ये आपकी अपनी अदाकारी है, पर आपको खा जाना मगर की लाचारी है। तो करें क्या, कोई रास्ता नहीं, मरें क्या? नहीं, अगर पानी में रहना जरूरी है तो दोस्ती दुश्मनी की चिंता छोड़ो, सीधे मगर की पीठ पर बैठ जाओ, फिर मजा देखो। यह अजीब सा लेकिन आजमाया हुआ बिल्कुल सत्य विधान है कि हर पानी में मगर की पीठ ही सर्वाधिक सुरक्षित स्थान है। जिस दिन मगर की पीठ पर सवार होने की कला सीख जाओगे, हमेशा के लिए तर जाओगे और विपत्तियों से खेलना आपका शौक हो जाएगा, और मगर मगर तो अब आपका खिलौना हो जाएगा, खिलौना हो जाएगा। अंत में मैं उसी स्टेटमेंट पर आता हूँ कि बॉस इज ऑलवेज राइट। पर आपको लगता है कि कुछ अलग हो रहा है तो बॉस से बात करनी चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है, पर सबके सामने नहीं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुझाव दे सकते हैं। हम उनकी जरूरत बने ना कि मजबूरी। इसी तरह से हम अपने यदि लिमिट में रहें तो हमारे लिए भी बॉस बहुत खास हो जाते हैं। यह सही है कि बॉस इज नॉट ऑलवेज राइट, पर हमें याद रखना चाहिए कि ही इज ऑलवेज द बॉस।